शिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उत्पन्न विभिन्न विभागीय समस्याओं के निदान हेतु विधायक दिनेश राय मुनमुन के नेतृत्व में किसान बंधुओं की उपस्थिति में विभागीय अधिकारियों के साथ चौपाल में चर्चा कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला मुख्यालय शिवनी बारह पत्थर क्षेत्र में स्थित राशि लान में विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन के नेतृत्व में आयोजित चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र से आए किसान बंधुओं द्वारा क्षेत्र में आ रही बिजली समस्या, पेश नहर को समय पर पूर्ण न करना, नहर का पानी अंतिम टेल तक न छोड़ा जाना, खाद की समस्या, धान खरीदी केंद्रों में हो रही परेशानियों के साथ ही धीमी गति से चल रहे रेलवे निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा के माध्यम से अपनी अपनी समस्याओं को रखा गया। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। मेरे पे कोई कमजोरी हो जिस वजह से मैं आपका काम नहीं कर पा रहा, और आज अगर मैंने ये लगाया आपके बीच में चौपाल, तो ये गलत है कि सही? दोनों चीज में चलो सिर्फ निर्णय बता दो, सही है गलत है? सही है। हाँ तो मैं ये सब लोग एक बात नहीं, सही है और गलत है, वो कितने लोग चाहते हैं गलत नहीं लगाना है, बताओ नहीं? चलिए मैं धन्यवाद देता हूँ उस मार्केट की, सही है तो जोरदार तालियों से आप उनका समर्थन करें, बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा इसकी जरूरत नहीं थी। अरे इसकी तो जरूरत नहीं है ना, हमारा जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि जो काम आप करा, पानी आएगा तो हमारा ये पानी D3 और D4 इन दोनों डिस्ट्रीब्यूटरी में प्रवेश करेगा। अभी जो स्थिति है उसमें हमारी जो कैनाल D3 है उसमें अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी दो स्थानों पर कुछ हार्ड रॉक की में कटिंग होनी बाकी है, जिसके कारण की कैनाल का बेड। मेरी शिवनी विधानसभा की आज चौपाल कार्यक्रम था जिसमें पानी, सिंचाई का, बिजली और रेलवे का अधूरा काम और खाद्य वितरण और किसानों को धान खरीदी को लेकर यह चौपाल रखी गई थी, जिसमें आपने सभी विभाग हम लोगों ने अधिकारियों से किसानों द्वारा चर्चा की गई, उनकी समस्याओं को अवगत कराकर यहाँ जरा करने के लिए काम करने का प्रयास किया गया, जो रह गए अधूरे उनके कार्य थे उनको विभागीय तौर पर पूर्ण करने का काम करेंगे, इनको लेकर आज चौपाल लगाई गई। इसके पूर्व मैंने जनता के बीच में लठ पे चर्चा, मतलब मैंने जो अलग रखी थी वो मेरी और जनता के बीच में थी। जनता लठ पे चर्चा, हमारे यहाँ कहावत है कि लठ जैसे बात करो, मतलब ईमानदारी से सीधी सीधी सत्य बात करो और एक बात करो, लाल लपेट के बात नहीं करो, सीधी सीधी खड़ी बात करो, खूब खड़ा एक बात करो, उसको लेकर मैं जनता के बीच में खड़ा था। तो उसमें तमाम आपने देखा, जनता ने सीधी सीधी मुझसे बात करी, मैंने यहाँ तक पूछा मैं आपका विधायक हूँ, मेरे विधायक रहते मैं आपके काम में मैं खड़ा उतर रहा या नहीं उतर रहा, या मेरे में कमियां हो सीधे लठ जैसे बात करो, मैं आपके सामने जवाब देना चाहता हूँ, मेरी कमी हो तो आप उजागर करो। उसको लेकर आपने देखा जनता ने इस बात को स्वीकार किया, आप लोग कर रहे बेहतर है। चौपाल में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए, इसको लेके मैं चौपाल में पूरे अधिकारियों के साथ आप देखे विधि जनता से एक एक जवाब हमारे किसानों ने रखी और उसका सवाल और जवाब का उत्तर हमारे अधिकारियों ने दिया है जो आपके मीडिया के सामने। और मैंने एक चौपाल रखा था जिसमें अधिकारी और जनता के बीच में संवाद करके उनकी समस्याओं को निराकरण कराया। उसके पूर्व था मेरा जनता के बीच में लठ पे चर्चा हमारे यहाँ की जो कहावत है, लठ जैसी बात होना, मतलब सीधी सीधी बात करो, लठ गाड़ के बात करो, मतलब खूटा गड़ गया, मतलब जो पक्का की जय ही होगा, उसको लेकर मैं रखा। मैं उनका विधायक हूँ तो मैंने कहा मेरे सीधी बात करो, आप लठ लेके बात करो, लठ अड़ा के बात करो, अगर मेरे से आप संतुष्ट है तो आगे बात करो, मैं से असंतुष्ट मेरे में कमियां हैं, मुझे अपने ताकत से आप मुझसे बात करो। ये संपन्न हुआ, उसके बाद फिर अधिकारी कर्मचारी हमारे सभी आए, सभी विभाग के जिन विभागों को तत्काल कभी हमारी सिंचाई होना था, बिजली की समस्या थी, रेलवे को लेकर समस्या थी और खाद और हमारी धान खरीद को लेकर, उन तमाम बातों पर जन चौपाल हुई। आप सबने भी देखा एक एक बात किसानों ने रखी, उनकी बात अधिकारियों ने भी उनको निराकरण किया और निराकरण करने का घोषणा भी की, और मेरे द्वारा भी तमाम बातों को उनका संज्ञान में लाया हूँ और उनको जो आवश्यक है होने लायक है उन सबके निर्देश भी जारी किया हूँ। एक विशेष बात यहाँ देखने को मिली, चूंकि आप शिवनी में भाजपा के विधायक हैं और भाजपा के पदाधिकारी चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो इस पूरे कार्यक्रम से दूरी बनाई, क्यों? नहीं दूरी नहीं, ये एक्चुअल में शासकीय प्रोटोकॉल के तहत मैं विधायक होने के नाते ये कार्यक्रम रखा था,
इसमें संगठन और का इसमें ऐसे अहम भूमिका नहीं थी, लेकिन संगठन के वरिष्ठ नेता लोग इस समय चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन जो संबंधित कार्यकर्ता थे, जिनको आवश्यकता थी, किसान थे, वो सब इसमें सम्मिलित थे और कहीं भी इनमें दूरी बनाने का मेरे मानने हिसाब से कोई नहीं। मैं तो यही मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और सब कार्यकर्ता मेरे भाई है, मेरे साथी है, और हम सब मिलकर अपने नगर का विकास करना और पार्टी को मजबूत करने का काम करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।